कश कुमार जेएनआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं सिद्धार्थ नगर की एक सनसनीखेज। बबलू गुप्ता के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया गया। चार दिन पहले ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मटियारा उर्फ भुतहबा गांव में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी ने मीडिया को बताया कि उसने रॉकी हैंडसम फिल्म देखकर बबलू के कत्ल की योजना बनाई थी। आरोपी मृतक के बीच जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर विवाद होता था। आरोपी रिंकू चौधरी ने बबलू को विश्वास में लेकर उसे नेपाल में ले जाकर शराब पिलाई, फिर लौटते समय ढेबरुआ चौराहे के साथ में ही चाकू खरीदा, बची शराब पिलाने के लिए घटनास्थल पर ले गया, जहां शराब पिलाने के बाद मफलर से कसकर चाकू से गला रेत दिया गया। आमीन फारूकी की रिपोर्ट, जेएनआई न्यूज, मैं उत्कर्ष कुमार। अभी ये हुआ है, अभी हत्या हुई थी, इसका क्या मोटिव और क्या है? देखिए, 11 जनवरी को ग्राम मटियार थाना ढेबरुआ में बजरंगी गुप्ता नाम का जो 32 वर्ष का युवक था, उसकी गला काटकर किसी ने हत्या कर दी थी खेत में। उसी घटना का आज अनावरण किया गया है। थाना ढेबरुआ की पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया है। और जो घटना में जो अभियुक्त था ओम प्रकाश उर्फ रिंकू चौधरी, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की है। जो आला कत्ल जिससे उसने मर्डर किया है, चाकू, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। जो घटना का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था जिस कारण से घटना की गई, जो मृतक था, मृतक ने जिसने मारा है मर्डर करने वाले को, एक ज़मीन बेची थी जिसका पैसा इसके ऊपर बकाया था, मर्डर करने वाले के अपराधी के ऊपर। इसने वो पैसा उसको नहीं दिया मृतक को। जब उसने मांगा तो इसी के तहत इसने योजना बनाई कि ताकि पैसा ना देना पड़े और इसकी गला काट कर हत्या कर दी है। उसी बात आती जो ये जो चाकू था इसके साथ लेके दारू पिया ऐसा? जी हाँ, इसने बताया, अभियुक्त ने बताया है कि वो मेरे साथ उठता बैठता था, मैंने उस दिन उसे 10,000 रुपया दिया और तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि ये बार बार पैसे मांगता है और इसको दारू पिला के आज इसका मर्डर करना है मुझे। तो उसी के क्रम में 10,000 रुपया पहले उसे दिया इसने, फिर उसे अच्छे से शराब पिलाई, फिर खेत में ले जाकर उसके साथ में ही चाकू मार्केट से ख़रीदा, उसी की मोटरसाइकिल पर ये भी था और चाकू इसने ख़रीदा साथ में उसी के, और फिर खेत में ले जाकर उसका गला काट कर हत्या की। सर जी वो हमारे से पैसा मांग रहा था, हम पैसा दे दिए थे चौराहे पे, हमको गाली बिली दे रहा था, उसके बाद माँ बाप का भी सबको गाली दे रहा था। उसके बाद उसने बोल रहा चलिए हमारी गाड़ी बनवा दीजिए बढ़नी में, हम कहें चलिए, वहाँ भी दारू पी लिया, उसके बाद फिर गाली बक रहा था। हम आए ढेबरुआ चाकू खरीदे, उसके बाद 3-4 बजे तक वो फिर और तगड़े तगड़े से गाली दे रहा था, बोल रहा था जगह तुमको नहीं दूंगा, दूसरे को लिख दूंगा। हाँ, एक जगह लेके बेबाक पैसा कर दिए थे सर। चाकू किस दुकान से खरीदे थे सर? ढेबरुआ कॉर्नर पे सर। पैसा नहीं देंगे तो मार डालोगे सबको? नहीं सर, अब गलती तो हो गई है, गलती की क्षमा चाहते हैं सर, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी हमारी। तो वही रॉकी हैंडसम पिक्चर देख के, मूवी देख के उसको मार दिए, गला काट दिए। कौन पिक्चर? रॉकी हैंडसम। उसी को इसी तरह मारा था जी पिक्चर में? जी।